नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। महम के सैमाण गांव में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सैमाण गांव के सरकारी स्कूल में आयोजित हुआ। सैमाण गांव से हॉकी कोच द्रोणाचार्य अवार्डी प्रतिभा के मान सम्मान में यह कार्यक्रम किया गया। गांव के शिक्षक सतीश सिवाच और डीपी राजपाल ने बताया कि कार्यक्रम में गांव के आईएएस लेवल के सभी व्यक्तियों के सम्मान में यह कार्यक्रम किया गया है। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों के भविष्य को लेकर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होते रहना चाहिए ताकि गांव से अच्छे खिलाड़ी तैयार हो सके। वहीं अर्जुन अवार्डी प्रतिभा ने बताया कि आज मुझे गांव में इतना मान सम्मान मिला है कि मैं उसे कभी भुला नहीं पाऊंगा। सभी छोटे बच्चों और खिलाड़ियों को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि अच्छे से खेलों की तरफ ध्यान दें और गांव के नजदीक कितना अच्छा प्लेग्राउंड है इसका लाभ उठाकर कामयाबी की तरफ बढ़ें। उन्होंने ग्रामीणों से भी कहा कि एक हॉकी की फील्ड तैयार करें ताकि अच्छे खिलाड़ी गांव के प्रांगण से तैयार हो सकें, जिससे कि वे देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। रोहतक से हमारे संवाददाता विकास औलियान की रिपोर्ट। मेरे को फर्स्ट टाइम ये मान सम्मान मिला और मुझे बहुत अच्छा लग रहा कि मेरे ससुराल उन्होंने मुझे मान सम्मान दिया और बुजुर्गों का मुझे आशीर्वाद मिला और मैं इससे बहुत खुश हूँ। तो बच्चों को क्या प्रेरणा दी आज जो आपके सामने बैठे थे, उनके लिए क्या खास बात रही? खास बात ये है कि बच्चों को मुझे थोड़ा सा कहीं किसी कोने में दुख भी हो रहा है कि भाई इतना गांव के नज़दीक इतना बड़ा स्कूल है और इतनी इनके पास जगह है, तो मैं गांव वालों से यही कहना चाहूँगी, मतलब रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हॉकी की फील्ड या कोई भी स्पोर्ट्स की फील्ड बनाओ ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल भी कर सकें और इनके पास सारी सुविधाएँ आ जाएंगी। धन्यवाद। आप गाँव में बहुत दिनों के बाद आए हो, आपको इस प्रोग्राम को देख कर कैसा लग रहा है? प्रोग्राम मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं और यहां के बच्चों के लिए ये प्रोग्राम एक नई प्रेरणा और एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बच्चों को ये संदेश देंगे कि ज़िंदगी में कुछ करने के लिए चार चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, धैर्य, ईमानदारी, मेहनत और किस्मत। किस्मत हमारे हाथ में नहीं होती है, लेकिन धैर्य, ईमानदारी और मेहनत हमारे हाथ में होती है। जब तीन बिंदु हम पूरे करते हैं, मेहनत, ईमानदारी, तो किस्मत अपने आप उसके साथ चल जाती है और आदमी जो चाहता है वो उसको मिलता है। धन्यवाद। थैंक यू। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।